प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम। खास प्रोग्राम इसलिए क्योंकि आज हम इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं देसी हीरो खेसारी लाल यादव, जिनके नाम भोजपुरी इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के बहुत ही चहेते स्टार्स में से एक माने जाते हैं और उनके बीच दर्शकों का जो जमावड़ा है, जो दर्शक उनसे प्यार करते हैं, उनके बीच खेसारी लाल यादव काफ़ी शुमार हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, खेसारी लाल यादव को काफ़ी दरिया दिली इंसान कहा जाता है और कई बार ऐसे चीज़ें को खेसारी लाल यादव साबित करके भी दिखा चुके हैं। लेकिन इन दिनों खेसारी लाल यादव की चर्चा हो रही है एक वीडियो के माध्यम से। वीडियो के माध्यम से चर्चा हो रही है जिसमें खेसारी लाल यादव ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री इन तीन सुपरस्टार्स पर खड़ी है, जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ पवन सिंह और खुद खेसारी लाल यादव। यानी कि भोजपुरी के तीन पिलर बताए जा रहे हैं, खेसारी लाल यादव ने इन तीन पिलर को बताया है और ये वीडियो सही है या गलत ये समय आने पर पता चलेगा। लेकिन उस वीडियो के जरिए खेसारी लाल यादव क्या कहते हुए नजर आए हैं, किस अंदाज के साथ नजर आए कहते हुए, पहले हम आपको वो दिखाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। ये बताइए, दिनेश लाल, खेसारी लाल और पवन सिंह नाम हटा दिया जाए तो भोजपुरी क्या है? हाँ, भोजपुरी में तो अभी पूरा बोलबाला है। मेरा मानना ये है कि भोजपुरी से अगर इस तीन नाम को हटा दिया जाए तो भोजपुरी कहाँ है? खैर, खेसारी लाल यादव, जॉन केले बाड़े, ये बात मनोज तिवारी, रवि किशन आप भोजपुरी के कुछ संस्था वाला लोग अपन अपन बारे में बहुत पहले से कहल आ रहल बा। समस्या यह बा कि हिंसा और अहिंसा समय अनुसार काम करे वाली भोजपुरिया प्रजाति एह कुल मुद्दा पर अब हिंसा नहीं होत ना जते यही से बोल रहल बा। ओकरा मुंह में केहू नाट तक हाथ डाल के आंत घींच लेवे के चाही। अपने वीडियो के जरिए आपको पता चल ही गया होगा कि आखिरकार खेसारी लाल यादव ने उस वीडियो में क्या बातें कही हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद खेसारी लाल यादव ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि ये जो बातें दिखाई जा रही है वो वीडियो को पूरी तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है, इसे तोड़ मोड़ कर और एडिट करके दिखाया गया है। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, जिसी में से एक प्रतिक्रिया आई प्रियंका पंडित उर्फ गार्गी पंडित, जिसके बाद ऐसा लगता है विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ, गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित ने खेसारी लाल यादव के वीडियो को सुनने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक पोस्ट जारी किया, जिस पोस्ट में उन्होंने खेसारी लाल यादव ने जो वीडियो के जरिए बयानबाजी की थी, जो बातें लिखी कही थी अपने बारे में या जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में, उसके बारे में उन्होंने उस पोस्ट में एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन अचानक से फिर प्रियंका पंडित का एक वीडियो आता है, जी हाँ, जिसमें वो खेसारी लाल यादव के खिलाफ बोलती नजर आ रही है। लेकिन आखिर क्यों, क्या है इसकी वजह, आखिरकार कहाँ से गार्गी पंडित और खेसारी लाल यादव के बीच इतना ज्यादा विवाद बढ़ा, चलिए आपको दिखाते हैं गार्गी पंडित। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। बहुत ही बड़े हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, लगाऊं कि नहीं लगाऊं वो सोच रही हूँ। उनका कॉल आया, सोच रही हूँ जिस नंबर से कॉल आया वो आप लोगों को दिखा दूं, फेसबुक पर डाल देती हूँ। तो जनाब ये कह रहे हैं मुझे कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। तो खेसारी लाल यादव, मैं तुम्हारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जो तुमने मुझे फ़ोन पे बोला कि लोग तुम्हें मेरे अपोजिट काम नहीं दे रहे से तुम फ्रस्ट्रेट हो गई हो, तो मुझे तुम्हारे साथ काम करना भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। प्रियंका पंडित तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है खेसारी लाल यादव जी। और जो कुछ भी आपने मुझे फ़ोन पे जो धमकियाँ दी हैं, मैं चाहूँ तो मैं इसका बहुत बड़ा इशू बना सकती हूँ और मैं बनाऊँगी भी, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो आप मुझे बोलेंगे वो मैं चुपचाप सुनूंगी और सहूंगी, ठीक है। मेरी औकात जो आप मुझे बता रहे ना कि मेरी क्या औकात है, तो मेरी तो औकात आप मत ही पूछो, आपकी क्या औकात है ना वो आपने फ़ोन पे आज मुझे बताया है, ठीक है। और लाइव इसलिए आ रही हूँ ताकि लोगों को पता चले
कि जो सुपरस्टार सुपरस्टार वो कह रहे हैं ना, उनके सुपरस्टार क्या हैं? एक लड़की को फोन करके उसको उसकी औकात बता रहे हैं कि तुम मेरे फिल्मों में काम करने के लायक नहीं हो, तुम्हें मेरे अपोजिट फिल्म नहीं मिल रहा है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमा सको, तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम्हारी वो औकात नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है ना, ये तुमने आज मुझे बताया है खेसारी लाल यादव। अगर तुम मेरे सामने आके अगर ये मुझे बोलते हैं ना, तो जहां तुम होते ना वहीं तुमको मारती मैं, और इतना मारती ना कि तुम्हारी औकात तुमको मैं वहां बताती। जो तुम कह रहे थे ना मुझे मेरी क्या औकात है, तुम्हारी औकात मैं बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी, और लाइव आऊंगी, लाइव इसीलिए आई हूं ना ताकि लोगों को पता चले अब इनके सुपरस्टार क्या हैं। फोन करके मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे समझा रहे हो, बेटा ऐसा करके पब्लिसिटी नहीं, मेहनत से करो, मेहनत से पब्लिसिटी, मेहनत से आ गया हो तो तुम लाए हो मुझे 5 साल से यहाँ से, अपने मेहनत से यहाँ पे आई हूँ, अपने मेहनत से जगह बनाई है मैंने, तुम्हारी तरह नहीं। तुम क्या कर रहे हो बताना चालू करूंगी ना लोगों को, तो जहां होगे वहीं आके मारेंगे लोग, उनकी नजरों में से तुम्हारा ये जो पर्दा लगा हो ना, हमारे खेसारी लाल यादव हमारे भैया, हमारे भैया, इनको नहीं पता कि इनके भैया कितने कर्म कांडी हैं। तो ये जो अपने जो आप कॉल करके जो बताया है ना मुझे, ये आपने सही नहीं किया है, क्योंकि और कोई हीरोइन स्टैंड ले या ना ले, कोई हीरोइन कुछ और बोले या ना बोले, मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे वो आपका इंटरव्यू बुरा लगा, मैं रिएक्ट करूंगी। और आपको ही नहीं होते हो मुझे फोन करके धमकी देने वाले, आपको ये हक किसी ने भी नहीं दिया है कि आप मुझे फोन करके मुझे मेरी औकात बताएं कि मेरी क्या औकात है। आप कह रहे हो कि आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, तो मैं मरी नहीं जा रही हूँ खेसारी लाल यादव आपके साथ काम करने के लिए। मेरे नजरों में यू आर जीरो, जीरो समझते हैं, ऐसा गोल वाला जीरो हैं आप मेरी नजरों में। एक खेसारी लाल यादव प्रियंका पंडित का करियर नहीं खत्म कर सकता, एक खेसारी लाल यादव से प्रियंका पंडित नहीं है। तो प्लीज ये जो धमकी आप मुझे देना चालू किए हैं ना, जो धमकी देना चालू किए ना, वो धमकी मत दीजिएगा, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। पहली चीज, आपको बुरी लगी मेरी बात, मैंने कुछ गलत लिखा नहीं है, जो आपने इंटरव्यू में बोला वो गलत है। आपको क्या लगता है आप तीनों से ही भोजपुरी इंडस्ट्री है, कल्पना पोटवरे हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, कितने सारे लोग हैं, कौन है आप उनके सामने, कौन है, कौन जानता है भोजपुरी से आगे तुमको, कौन, हु? अगर आप कह रहे हो ना भोजपुरी को किसी ने बहुत ज्यादा फेमस किया है, तो वो सिर्फ रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, कल्पना पोटवरे जी हैं, और कौन है? भोजपुरी से बाहर निकलो, कोई जानता तक नहीं होगा, मुझे तो भूल जाओ, मैं तो कुछ नहीं हूं। आप कहते हो ना मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं, मैं स्ट्रगलर हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या कर लिया, कौन जानता है आपको, कौन जानता है भोजपुरी के बाहर, बताओ मुझे। दो रियलिटी शो क्या कर ले तो भी लोग नहीं जानते होंगे आपको। रवि किशन इतने बड़े स्टार हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं साउथ की जाके, उनसे सीखो कुछ, अगर सीखना है, सुपरस्टार उसे कहते हैं। सुपरस्टार बनना है तो दिनेश लाल यादव जैसे बनो, वो है सुपरस्टार, आप हो सुपरस्टार। मैं आपको बोल रही हूँ फोन पे कि आप सुपरस्टार हैं, आप पे ये सब बातें शोभा नहीं देता, आप बोल रहे हो कि हाँ मैं हूँ सुपरस्टार, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड कहाँ से ला देते हो भाई। मैं लाइव आके बोलती हूँ, अगर मेरी लाइफ में अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से प्रियंका पंडित उपगार्गी पंडित का सीधा साधा इल्जाम लगाया जा रहा है डायरेक्टली खेसारी लाल यादव की तरफ कर, खेसारी लाल यादव पर, कि खेसारी लाल यादव ने प्रियंका पंडित के पोस्ट करने के बाद उन्हें फ़ोन कर उनसे अभद्र भाषा में बात की है, या यूं कह ले कि उनसे कह सकते फिल्म को लेकर नहीं बल्कि पर्सनली लेवल पर काफ़ी हद तक जाके खेसारी लाल यादव ने बात की है, ऐसा प्रियंका पंडित का कहना है। इन सब दोनों विवादों को लेकर, इन सभी बातों को लेकर अब कुछ लोग खेसारी लाल यादव के पक्ष में उतर गए हैं तो कुछ लोग विपक्ष में हैं। पहले आपको दिखाते हैं उन लोगों के बारे में, बताते हैं जो लोग खेसारी लाल यादव के पक्ष में हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव ने जो बातें कही हैं उनका वो कहने का मतलब नहीं था जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उस खबर को दर्शाया जा रहा है। देखिए हमारे, अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।
सोशल मीडिया पर फैली खेसारी और भोजपुरी एक्ट्रेस प्रियंका पंडित के विवाद पर कई दर्शकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, कई सितारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन आज हम लेकर आए हैं खेसारी की सबसे करीबी और कई सारी फिल्म में काम कर चुकी एक्ट्रेस रितु सिंह का एक बयान जो हाल ही में लाइव आकर रितु सिंह ने दिया है। रितु सिंह ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें इंडस्ट्री में आए हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन वो लगभग सारे सुपरस्टारों के साथ काम कर चुके हैं। और अपने इसी एक्सपीरियंस को साझा करते हुए रितु सिंह ने कहा है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी टॉप 3 एक्टर हैं, उनको उनके साथ काम करके या उनको देखकर कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग ऐसे बात बोल सकते हैं, क्योंकि निरहुआ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। पवन जी भी सबको इंडस्ट्री में साथ लेकर चलने वाले हैं और खेसारी के साथ तो मैं कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हूँ, हाल ही में मैंने उनके साथ एक फिल्म भी कम्प्लीट की है, और वो भी कभी इस उद्देश्य से नहीं बोल सकते कि किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर किसी को लगा है तो उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हम कहाँ और क्या बोल रहे हैं। तो रितु सिंह ने यहाँ खेसारी का सपोर्ट करते हुए प्रियंका के लिए कुछ बातें कही हैं। हालांकि प्रियंका का नाम रितु सिंह ने नहीं लिया है, लेकिन उनके बातों से यही लगा कि वो पूरी तरह से खेसारी के साथ हैं। दोस्तों, किस तरह से खेसारी लाल यादव के पक्ष में कुछ लोग उतरे हैं, कुछ स्टार उतरे हैं, जिनका ये मानना है कि खेसारी लाल यादव हमेशा अपने स्टार, अपने को स्टार, अपने दर्शक, इन सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अचानक से खेसारी लाल यादव ने इस तरीके का बयान क्यों दे दिया। इसके बाद अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में हम जिक्र करते हैं जो लोग खेसारी लाल यादव की आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल, जब खेसारी लाल यादव का ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद बैक टू बैक सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो जारी हुए जिसमें खेसारी लाल यादव की आलोचना करते हुए कुछ लोग नजर आए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि खेसारी लाल यादव के बारे में उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि खेसारी लाल यादव इस तरीके की सोच रखते हैं कि इंडस्ट्री उनकी वजह से है। लेकिन देखा जाए तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं उन लोगों की लिस्ट, उन लोगों का नाम जो कि खेसारी लाल यादव की आलोचना कर रहे हैं, यानी उनके बयान पर सीधा उनके खिलाफ खड़े उठ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीटीओ एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। कल सोशल मीडिया पर खेसारी के बयान के वीडियो मानो जंगल में लगे आग की तरह फैल रही है, और अब खेसारी के बयान पर लोगों के प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। जैसे कि हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म के दिग्गज रहे खेसारी लाल यादव के बयान पर तीखी आलोचना करते जाने माने गए हैं। जी हां, जाने माने निर्माता और इंदिरा फिल्म इंटरनेशनल के फाउंडर संजय सिंह राजपूत, जिनके कई फिल्में अब तक रिलीज हो गई हैं, कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं तो कई फिल्में फ्लोर पे जाने वाली हैं। जी हाँ, संजय सिंह राजपूत ने खेसारी लाल यादव के उस बयान का खूब निंदा कर रहे हैं जिसमें खेसारी लाल यादव एक वीडियो में यह कहते हुए दिखाई दिए हैं कि 3 स्टार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और निरहुआ को अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ, इंटरव्यू के दौरान संजय ने बताया कि खेसारी जैसे एक्टर की ऐसी सोच कैसे हो सकती है, इंडस्ट्री 3 लोगों से ही नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि हम लोग आज की तारीख में मनोज तिवारी और रवि किशन शुक्ला को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने लगभग बंद पड़ी इंडस्ट्री को यहां तक आगे बढ़ाया है। जी हां, संजय सिंह आगे बताते हैं कि खेसारी का स्टारडम बोल रहा है अब वो जमीन से जुड़े नहीं रहे। जी हां, कभी कभी वो बात तो जरूर करते हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक PRO ने उनसे पूछा कि आपके फिल्म का बजट 2 से 2.5 करोड़ का अगर हो रहा है तो इसकी रिकवरी कैसे होगी। इस बात पे खेसारी लाल यादव उलझ पड़े। दोस्तों, हमने उस लोगों के बारे में भी जिक्र की जो लोग पक्ष में हैं, जो लोग विपक्ष में हैं, और खेसारी लाल यादव कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडस्ट्री में ना जाने ऐसा क्या हुआ। अभी कुछ समय पहले जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और शशि पत्रकार शशिकांत के बीच विवाद अभी ठंडे भी नहीं पड़े थे, ख़त्म भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर से एक बार अचानक खेसारी लाल यादव और प्रियंका पंडित के साथ तमाम स्टार्स इसमें शामिल हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन दिनों इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम, एक दूसरे के पक्ष विपक्ष लेते नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक परिवार होते हुए के बावजूद इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री बिखरती नजर आ रही है। खैर दोस्तों, हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन आगे
आगे क्या प्रतिक्रियाएं इस पर आती हैं, आगे क्या जवाब सवाल आते हैं, ये सारी खबरें हम आपको अपने चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया के माध्यम से आप सभी को बताते रहेंगे। लेकिन आज के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही, और आगे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुँचता रहे। और आखिरकार देखते हैं आगे की, आखिरकार खेसारी लाल यादव और प्रियंका पंडित के बीच बिछड़े ये इस विवाद पर, या खेसारी लाल यादव के ऊपर जारी इस वीडियो पर, आखिरकार ये जो विवाद है ये कब तक समाप्त होता है। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीटीओ एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।